आगे देख लो भाई, क्या शानदार प्रॉपर्टी थी यहाँ पे, सोनप्रयाग के पास में ही है और गौरीकुंड यहाँ से 5-10 किलोमीटर दूर है। बाकी लेकिन देखते हैं बाबा के दर्शन कब होते हैं, दोबारा कब आते हैं, दर्शन करेंगे भाई, बहुत मन है। उत्तराखंड के रहस्यमय मंदिर में से एक मंदिर जय माँ धारी देवी, वैसे इसको चार धाम का रक्षक भी कहा जाता है इस मंदिर को। जैसे ही ISBT से एग्जिट लेंगे ना, पीछे गेट से एग्जिट लेंगे या लाइन से सारी बसें मिल जाएगी, तो रजिस्ट्रेशन में अपना फुल नेम डालना, एड्रेस डालना, ID देनी अपनी। यहाँ से तो बसें चलती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पैसेंजर गलती करते हैं वो गलती यही करते हैं भाई, रूटी ले लिया है और जर्नी को कर रहे हैं फिर कंटिन्यू। देख सकते हैं पीछे बस खड़ी हुई अपनी, देख लीजिए भाई यहाँ पे आपके लिए बैक टू बैक बसेस लगी हुई है। जैसी कपाट खुलेंगे तो उस समय भी हम यात्रा करेंगे। तो जी भाई फाइनल डेस्टिनेशन यही है सोनप्रयाग, यहाँ से आपको टैक्सी करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा गौरीकुंड और वहाँ से चढ़ाई स्टार्ट सीधा केदारनाथ की, मगर अभी हम जा रहे हैं होटल ढूंढने। वेल, दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुनील, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल सुनील कार की व्लॉग्स में। आज का जो व्लॉग है वो किसी सपने से कम नहीं है, क्योंकि आज हम इंडिया के छोटे चार धाम में से एक धाम जाने वाले हैं केदारनाथ। वैसे आपको बता दें अभी केदारनाथ के कपाट बंद है, 10 मई से खुलेंगे, लेकिन आज हम आपको पूरा वर्चुअल टूर दिखाएंगे वहां तक का, किस तरीके से आप सफर कर सकते हैं। भाई इस बार जो केदारनाथ के कपाट है वो 10 मई से खुलेंगे और बाकी बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के भी कुछ आसपास खुल जाएंगे। तो बस कहाँ से मिलेगी, रजिस्ट्रेशन हम कैसे करेंगे, वो सारा प्रोसेस आपको हरिद्वार में बताएंगे, क्योंकि पहले हरिद्वार चलते हैं। बाकी जी ये देख लो सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे बनाया हुआ है ISBT कश्मीरी गेट में। जैसा कि आप ये काउंटर देख रहे हैं, ये कोटद्वारा काउंटर, हरिद्वार ऋषिकेश देहरादून, उसके बाद UP रोडवेज। तो यहाँ पे बैक टू बैक हर आधे घंटे में आपको हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून की बस मिल जाएगी। जैसे अभी चार धाम का रस आने वाला है तो उस समय आपको 15 से 20 मिनट में यहाँ पे बस मिल जाएगी। तो आज की जो हमारी यात्रा है वो यहाँ से दिल्ली से हरिद्वार तक होगी। उसके देख लीजिए भाई, बस में कर लिया है बोर्ड और देख लीजिए इंटीरियर, देख लीजिए कुछ इस तरीके का ही है। बाकी देख लीजिए भाई 2x3 का कॉम्बिनेशन है इस बस का और बाकी यही है, बाकी सवारी इतनी है नहीं इस बस में। बाकी भैया यहाँ पे कुछ खाने पीने की सुविधा देख लीजिए, कैंट्री बनी हुई है, आप लोग यहाँ से खाना लीजिए, सीधा बस में बोर्ड करिए और निकले अपने सफर की तरफ। आपको बता दिए कि अभी केदारनाथ का पार्ट क्लोज है, 10 तारीख से खुलेंगे, लेकिन आपके लिए वर्चुअल टूर हम लेके आ रहे हैं, पूरा सोनप्रयाग तक जाएंगे। और रजिस्ट्रेशन बता दें आपको, एक हरिद्वार ऋषिकेश में मेरे ख्याल से होता है और दिल्ली से ना एक डायरेक्ट बस भी चलती है केदारनाथ वाली, गुप्तकाशी वाली, तो आप उसमें भी जा सकते हैं, लेकिन वो 12 महीने चलती है तो उसमें आपको सीट मिलेगी नहीं और ऑनलाइन भी आपको नहीं मिलेगी। ऑनलाइन भी पहले ऑनलाइन थी, फिर अभी बंद हो गई है, फिर ऑनलाइन नहीं मिलेगी बेसिकली आपको, तो आपको हरिद्वार ही जाना पड़ेगा, वही ऑप्शन सबसे बढ़िया रहेगा। जर्नी की शुरुआत हो गई थी भाई, तो पानी वगैरह ले लिया है और बस में चलते हैं भाई फटाफट से और जर्नी को स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए भाई यहाँ पे आपके लिए बैक टू बैक बसेस लगी हुई है दिल्ली से हरिद्वार ऋषिकेश के लिए। 9:14 हो चुके हैं और अब हमारी यहाँ से बस निकली रही है आपके हरिद्वार के लिए। एक से ऑलमोस्ट भाई बस में 2-3 10-12 पैसेंजर होंगे, बाकी पूरी बस खाली ही जा रही है फिलहाल को। तो चलो भाई कंटिन्यू करते हैं जर्नी को। तो जी भाई देख लीजिए, बस का जो टिकट है दिल्ली से हरिद्वार का 365 रुपये, बाकी बस डिपार्च कर चुकी है भाई। हरिद्वार का जो किलोमीटर है दिल्ली से 214 किलोमीटर और रूट की बात करें तो मेरठ, मुजफ्फरनगर, रुड़की, हरिद्वार, उसके बाद ये आगे बस ऋषिकेश तक जाएगी और हम इस बस में हरिद्वार तक उतर जाएंगे। टाइम इज 11:51 और अभी हमारी बस खतौली बाईपास पे रुकी हुई है, देख सकते हैं ये पूरा बाईपास रोड जा रहा है, यहाँ पे बसें खड़ी है UTC, UPSRTC और अपनी ये CNG वाली खड़ी हुई है। बाकी देख लीजिए जर्नी चल रही है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खास। देखिए हाँ मैं आपको बताना भूल गया, इस बस की बुकिंग आप UTC ऑनलाइन से कर सकते थे पहले, लेकिन अब नहीं, क्योंकि इस बस की बुकिंग तो आप ऑनलाइन नहीं कर सकते, लेकिन न्योवो की आप कर सकते हो, उसके अलावा वॉल्वो यानी जितनी भी वॉल्वो बसें चलती है दिल्ली से हरिद्वार की उसकी आप बुकिंग कर सकते हो, क्योंकि ये बसें नहीं है वहाँ पे ऑर्डिनरी,
ओनली वॉल्वो है, तो दिल्ली से हरिद्वार की वॉल्वो बुक कर सकते हो, नहीं तो कश्मीरी गार्ड गेट पे आके काउंटर टिकट ले सकते हो और बस में भी टिकट मिली जाती है। बाकी जी ये देख लीजिए, यहाँ पे कुछ सीटिंग अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का है और यहाँ पे सारी बस खड़ी हुई है, लेकिन हम तो भाई कुछ खाएंगे नहीं और आगे चलेंगे घर से। मैं खा के आया था, पीछे लगी हमारी बस, रोटी ले लिया है और जर्नी को कर रहे हैं फिर कंटिन्यू। देख सकते हैं पीछे बस खड़ी हुई अपनी और सारी बस यहाँ पे लगी हुई है देख सकते हैं, और यहाँ पे खाने पीने का अरेंजमेंट कुछ इसी तरीके से। 12:27 हो चुके हैं और बस ने यहाँ पे आधे घंटे का ब्रेक लिया था और अब यहाँ से बस निकल रही है, सीधे हरिद्वार जाएगी। बीच में रुड़की रुकेगी बस, एक दो पैसेंजर है उनको ड्रॉप करके, बाकी बस में ज़्यादा पैसेंजर वैसे भी नहीं है। एक 1:26 हो चुके हैं और अभी हम रुड़की बस स्टैंड पहुंच चुके हैं। यहाँ से हरिद्वार कम से कम 30 मिनट का रास्ता होगा। दो बजकर 14 मिनट हो चुके हैं और हमारी बस ने हमें बाहर ही ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि वो बस ऋषिकेश तक जाएगी और बाकी हरिद्वार का ये बस स्टैंड देखिए पूरा खाली है। लेकिन उससे पहले चाय पीते हैं क्योंकि भाई ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, चाय पीते हैं, उसके बाद फिर आगे की इन्फॉर्मेशन आपको दे। देख लो भाई हरिद्वार ISBT के हम बाहर आ चुके हैं और भाई जब भी ISBT से यहाँ बगल में चाय जरूर पीना, बहुत अच्छी चाय है। बाकी देख सकते हैं उत्तर रेलवे हरिद्वार, सीधी कनेक्टिविटी आपको हरिद्वार रेल की मिल जाएगी, तो आप लोग यहाँ आइए। इसके अलावा जितनी भी बस आपको दिल्ली से आएगी वो सारे यहाँ पे आपका ISBT में चले जाएंगी, बाकी जो ऋषिकेश जाने वाली वो आपको वहाँ ड्रॉप कर देगी। उसके बाद आपको वहाँ से सारी बसें मिल जाएगी, आएंगे उस पर भी पॉइंट पे चलेंगे तब बताएंगे। बाकी अभी अंदर की तरफ चलते हैं। सबसे ज़्यादा जो पैसेंजर गलती करते हैं वो गलती यही करते हैं भाई कि वो सीधा हरिद्वार ISBT के अंदर आ जाएंगे और बोलेंगे कि बस कहाँ से चलती है, तो यहाँ पर गलती आप लोग करते हो। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जाना है रेलवे स्टेशन से बाहर निकल के तुरंत, जो आपको मैंने बस बताया जहाँ पर बस उतरेगी वहाँ से सीधा सीधा जाइए और वहीं पे आपको बस लगी हुई मिल जाएगी, चाहे आप कोई से भी धाम जाए, चाहे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। फिलहाल तो कपाट नहीं खुले लेकिन फिर भी हम आपको वहाँ तक की जर्नी कराने वाले हैं। यहाँ से तो बसें चलती है लेकिन जो है आपका यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ के लिए नहीं चलती, उसके लिए बाहर से चलती है जो ऋषिकेश का ISBT है, वहाँ से आपको अंदर की बसें मिलेंगी। बाकी भाई दूसरी जो जरूरी चीज़ है, चाहे आप कोई सा भी धाम जाओ, चाहे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, चाहे बद्रीनाथ हो गया, आपको रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना, आपको टूरिस्ट केयर उत्तराखंड करके ऐप है वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर लेना, अभी करोगे तो नहीं होगा क्योंकि भाई फिलहाल तो कपाट खुले नहीं है। तो मैं तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बना रहा हूँ और अभी जर्नी करेंगे सोन ट्रैक तक, क्या क्या होटल वगैरह है सारी चीज़ें वहीं जाके बताएंगे। स्टेशन में अपना फुल नेम डालना, एड्रेस डालना, ID देनी अपनी, चाहे कोई भी ID हो, चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो। उसके बाद जब आपकी यात्रा कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपके पास एक कॉल भी आएगा कि भाई आपकी यात्रा कंप्लीट हो गई, आप किससे गए थे, बाय रोड गए थे, बाय बस गए थे, बाय रोड में कार भी आता है ठीक है और बाइक भी आता है, तो बाय रोड गए थे आप, बाय बस गए थे, बाय और तो कुछ चीज जाता भाई वहाँ पे ठीक है, और कितने दिन के लिए गए थे, तो सारी चीज़ें आपके पास कॉल आएगा जब आपकी पूरी यात्रा कंप्लीट हो जाएगी, तो भाई उसमें इन्फॉर्मेशन सही सही भरना। और कहाँ काम आता है मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप दर्शन करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन दिखाना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार हम बद्रीनाथ गए थे सितंबर के महीने में गया था, उस समय मुझे वहाँ पे दिखाना पड़ा था, तो ये आप जरूर। और इसके अलावा मेरा दिल्ली से बद्रीनाथ का पूरा कंप्लीट वर्चुअल टूर है जो कि इसी चैनल पर अपलोड हो चुका है, और इसी चैनल पर क्या नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए अभी इंजॉय करिए। बाकी मैं चलता हूँ ISBT से बाहर और अब बस की तरफ चलते हैं, वो 2:30 बज चुके हैं और भाई 3 बजे से बसें स्टार्ट हो जाती है सोन ट्रैक के लिए, तो चलते हैं फटाफट। भाई सामने देख सकते हैं जैसे ही ISBT से एग्जिट लेंगे ना, पीछे गेट से एग्जिट लेंगे या लाइन से सारी बसें मिल जाएगी, तो ये देख लीजिए लाइन से सारी बसें लगी हुई है, कोई कर्णप्रयाग की लगी है, कोई श्रीनगर की लगी है, कोई गवलदम की लगी है, कोई गुप्तकाशी की लगी है, कोई जा रही है कहीं कहीं जा रही है कहीं अपने अपने डेस्टिनेशन पर। बाकी वैसे मैंने आपको बताया बस एग्जिट लेना है आपको, मतलब जैसे ही आप हरिद्वार ISBT से बाहर आओगे ना, राइट तरफ देखना, मान लो उस तरफ ये हरिद्वार बस स्टैंड है, राइट लेते ही सामने बसें सारी लग जाएगी आपको। जैसे देखो जोशीमठ चमोली जा रही है कर्णप्रयाग, और अपनी वाली जा रही है वो पीछे लगी है गुप्तकाशी। सारी यहाँ से जो भी है गवर्नमेंट बस नहीं है, ये सारी प्राइवेट बस है, हिमगिरी की चलती है, विश्वनाथ सेवा की चलती है। हरिद्वार से अगर आप लोग आ रहे हो
तो आपको प्राइवेट बस ही मिलने वाली है, सरकारी नहीं मिलेगी। अगर आप ऋषिकेश से जा रहे हो आपको गवर्नमेंट भी मिलेगी, सरकारी गवर्नमेंट वाली भी मिलेगी और प्राइवेट भी मिलेगी। लेकिन जहाँ से भी जाओ ऑनलाइन ज़रूर कराएगा भैया, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा बस, क्योंकि ऑनलाइन बिना कराए आप आई आना ही मत भाई, क्योंकि आपको सीट मिलने नहीं वाली, बस मैं इतना कह दे रहा हूँ। इस बात का आप ध्यान रखना, आप कहीं से भी कराओ लेकिन ऑनलाइन करा लेना बस। बाकी जर्नी की शुरुआत करते हैं, इंटीरियर वगैरह दिखाते हैं इस बस का, विश्वनाथ सेवा का, बाकी स्टार्ट करते हैं जर्नी। टाइम इज 5:17 और अब हमारी बस यहाँ से निकल रही है हरिद्वार से। देख सकते हैं यहाँ पे लगी हुई थी सारी बसेस, लाइन से लगी हुई ना सारी, इधर से हमारी बस भी लगी हुई थी और इधर से चल रही है और हमारी बस निकल रही है सीधा गौरीकुंड के लिए। अभी हम ऋषिकेश को क्रॉस कर चुके हैं और पहाड़ों पे चढ़ाई हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। और अगर आप लोग ऋषिकेश आ रहे हो तो राफ्टिंग करना मत भूलिएगा, और ऋषिकेश की गंगा आरती और राफ्टिंग ये सबसे यहाँ का फेमस है, ऋषिकेश का सबसे फेमस यहाँ की राफ्टिंग और यहाँ की गंगा आरती, ये दोनों चीज़ आप बिल्कुल मिस मत करना। बाकी देख लो यहीं से मेरे ख्याल से वो भी होती है राफ्टिंग वगैरह, और आगे हम चल रहे हैं जर्नी से। टाइम हो रहा है 7:45 और हमारी बस सामने रुकी हुई है 3 धारा पे, और हमने बेसिकली नाश्ता रखवा लिया, तो नाश्ता करते हैं उसके बाद फिर आगे की कहानी। बस रुकी हुई थी 3 धारा पे, हमने नाश्ता वगैरह कर लिया, सुबह का ब्रेकफास्ट हो चुका है, और यहाँ से कुछ ही दूर पे आपको देखने को मिलेगा देवप्रयाग का संगम, जो कि सबसे पवित्र संगम माना जाता है उसको, क्योंकि अलकनंदा और भागीरथी का वहाँ पे मिलन होता है और वहाँ से फाइनल गंगा बनती है, इसलिए उसको सबसे पवित्र संगम माना जाता है। बाकी देख सकते हैं यहाँ पे बस खड़ी हुई है और यहाँ पे सब लोग नाश्ता पानी कर रहे हैं, और बाकी अलग अलग जगह जो जो है जिस तरीके से बसेस खड़ी हुई है आगे, ठीक है। जिस तरीके से मैं अभी इसको कंप्लीट कर रहा हूँ, अगर कुछ रह जाता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई दे दूंगा, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करिए, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा भाई। बाकी इस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। भाई पहुंच चुके हैं संगम नगरी देवप्रयाग, यहाँ पे जो है अलकनंदा और भागीरथी का संगम है, इसलिए इसको सबसे पवित्र संगम माना जाता है, यहाँ से एक फाइनल गंगा बनती है। और अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं श्रीनगर की तरफ। कर 20 मिनट हुए हैं और अभी हमारी बस पहुंची है श्रीनगर गढ़वाल,
और यहाँ के ना आगे 10-11 किलोमीटर आगे एक और मंदिर है धारी देवी का, वो भी आप जरूर देखना, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, मैंने दर्शन भी करे उसके, तो उसका ब्लॉग भी आप नीचे चेकआउट कर लेना डिस्क्रिप्शन में। बाकी जर्नी फर्स्ट क्लास चल रही है, बाकी कुछ पैसेंजर उतरते हैं, कुछ चढ़ रहे हैं। देखो भाई नीचे है धारी देवी मंदिर, ये रहा एंट्रेंस मंदिर का, जय माँ धारी देवी। पहुंच गए भाई उत्तराखंड के रहस्यमय मंदिर में से एक मंदिर, जय माँ धारी देवी। वैसे इसको चार धाम का रक्षक भी कहा जाता है इस मंदिर को, ठीक है। अगर आप लोग जर्नी कर रहे हो चारों धामों में से एक धाम, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग दर्शन करके जाते हैं ताकि उनकी चार धाम की जो यात्रा है वो सफल रहे, और हरिद्वार में गंगा स्नान करके जाते हैं। चलो आगे करते हैं जर्नी को। ग्यारह बजे हम पहुंचे थे रुद्रप्रयाग, और यहाँ पे बस सवारी दो तीन उतार के और दो तीन चढ़ा के फिर हमारी बस आगे निकल पड़ी टॉर्ड्स कुंड गुप्तकाशी फिर सोनप्रयाग की तरफ। के लिए हमारा सफर रुक गया था, कम से कम 10-15 मिनट हो गए आप यहाँ से निकल रहे, क्योंकि ऊपर से कुछ पत्थर थे जो रुके हुए थे ना, गिरने वाले थे तो उनको गिरा रहे थे, सारे गिर चुके हैं, और अब चलते हैं आगे की तरफ। भाई अभी हम कुंड पहुंच चुके हैं, और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ना, ये चोपटा उखीमठ चोपटा होते हुए तुंगनाथ की तरफ जाता है, और ये जो रास्ता है जाएगा आपका सोनप्रयाग केदारनाथ की तरफ। एक 1:43 हो चुके हैं, और अभी हम गुप्तकाशी पहुंच चुके हैं। दिल्ली से जो डायरेक्ट बस आती है गुप्तकाशी की, वो भी मेरे ख्याल से यहीं तक आती होगी, लेकिन क्या है कि वो बस दिल्ली से ही ऑलमोस्ट फुल होती है, तो इसलिए मैं आपको हरिद्वार वाले रास्ते से लेके आया। और बाकी देखिए यहाँ से गौरीकुंड की जो दूरी है वो मेरे ख्याल से 30 किलोमीटर है, गौरीकुंड की 34 किलोमीटर और सोनप्रयाग की 30 किलोमीटर।
जी भाई फाइनल डेस्टिनेशन यही है सोनप्रयाग। यहाँ से आपको टैक्सी करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा गौरीकुंड और वहाँ से चढ़ाई स्टार्ट सीधा केदारनाथ की। मगर अभी हम जा रहे हैं होटल ढूंढने, क्योंकि आपको पता है कि भाई अभी कपाट नहीं खुले हैं। मैं तो एक वर्चुअल जर्नी ला रहा था कि कैसा मेरा सफ़र रहा। सुबह 5 बजे बस चली थी और अभी 2:30 से 3 बज रहे इस समय पहुँचाया, तो मतलब टाइम तो बहुत ज़्यादा ले दिया है। थोड़ा सा बीच में और ठीक वगैरह भी नहीं है, रास्ता ख़राब है, बीच में काम वगैरह चल रहा है, तो वो आने वाले 1-2 महीने में ठीक हो जाएगा, तो आप आराम से इसी ले आ सकते हैं। और देख सकते हैं यहाँ कुछ ऐसा एरिया है, बाकी इतनी नॉलेज मुझे है नहीं यहाँ के अभी, क्योंकि जस्ट आए हैं इसलिए मैं एक बार आया। मेरा वैसे प्लान तुंगनाथ जाने का बन रहा है, देखो कल क्या होता है। बाकी फ़िलहाल अभी चलते हैं, होटल बुक करते हैं। और कैसा रहा आज का ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना, अगर कोई मिस्टेक हो गई है मेरे से तो कान पकड़ के सॉरी बोलते हैं, और कुछ छूट गया हो और कुछ आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो फटाफट कमेंट करो। गुप्तकाशी में भी उतर सकता था लेकिन नहीं, आपको सोनप्रयाग का बोर्ड दिखाएगा सुनील भाई, उसके बाद बस स्टैंड दिखाएगा, बस वहीं से चलेगी जहाँ उतार रही वहीं से बस चलेगी। और जब क्या कहते हैं चार धाम के कपाट खुल जाएंगे उस समय मेरे ख्याल से सीतापुर से चलते हैं, वहाँ पे मैंने बस स्टैंड देखा था बड़ा सा, उस समय वहाँ से चलते, तो सीतापुर और सोनप्रयाग चार से पाँच मिनट वॉक पे हम भी वहीं जा रहे हैं सीतापुर। यहाँ आके ना मेरा लौटने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, लेकिन देखते हैं बाबा के दर्शन कब होते हैं दोबारा, कब आते हैं दर्शन करेंगे भाई। बहुत मन है, दिल से इच्छा है, ब्लॉग तो एक अलग की बात है लेकिन दिल से बहुत मन से इच्छा यार मेरी करने की। बाकी देखो जब तक कब तक दर्शन होते हैं कब तक करेंगे, फिलहाल अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं क्योंकि मैं भटक रहा हूँ बहुत ज़्यादा। भाई देख लो आज का स्टे हमारा यहीं पे होगा और सोनप्रयाग में मिल गया। बेसिकली इस समय क्या है ना कि मिल नहीं रहा स्टे, देख लीजिए यहाँ पे बगल में एक भाई है, मैं दिखा नहीं रहा। बाकी आप लोग होटल्स काफ़ी सस्ते हैं लेकिन 1-1.5 महीने बाद जो है इनके रेट्स बहुत ही डबल होने वाले हैं, जैसा कि आपको पता ही है क्राउड होगा उस समय और सारे पहले से बुक्ड हो जाएंगे, तो भाई इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। ऑनलाइन भी आप होटल बुक कर लीजिएगा ठीक है, बाकी सारे अभी तो हम फिर कल सुबह हमारी यात्रा ऐसे ख़त्म हो जाएगी। सो